दोस्तों स्वागत है आप सभी का एफटेक यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से GTA 4 और GTA 5 की फाइनल रिलीज डेट के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे कुछ ओपिनियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे कब तक कैसा लगता है कि ये GTA 4 और GTA 5 गेम फाइनली जो है वो एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए लॉन्च हो जाएंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अभी भी जो है बहुत से लोग जो है ये डाउट्स लेकर के बैठे हुए कि ये जो गेम है ये कब हम लोगों को खेलने के लिए मिलेगा, बेसब्री से इसका जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक के देखना, मेरे ओपिनियंस आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा और मुझे पक्की तरीके से उम्मीद है कि वो जो मैं आप लोग को ओपिनियंस बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो सही होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप लोग नए आए हो तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग को 100% ट्रस्टेड गेमिंग वीडियोस मिलते हैं। और जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत थैंक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज भी बहुत से लोग हैं जो ये डाउट लेकर के बैठे हुए हैं कि GTA 4 और GTA 5 गेम हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस में कब खेलने के लिए फाइनली मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को GTA 4 से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है और फंडे के बारे में भी आप लोगों को पूरी डिटेल वीडियो मैंने जो है वो अपने चैनल के ऊपर पोस्ट कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा अच्छी तरीके से तो आप लोगों को सब कुछ पता होगा। और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस जाकर के देखिए, आप लोगों को सब कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको फंडे से कंपेयर करता हूँ, GTA 5 को तो हम लोग दूर ही रखते हैं, GTA 4 को अगर मैं फंडे से कंपेयर करता हूँ तो 2019 में भी उसके आने के चांसेस अभी तक तो दिख नहीं रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बताई है तो अभी तक तो GTA 4 और GTA 5 की आने की इन्फॉर्मेशन और मतलब आने के चांसेस लग नहीं रहे। तो मैं आप लोगों को इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेरे ओपिनियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि मुझे क्या लगता है कि GTA 4 और GTA 5 गेम कब जो है वो फाइनली एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए लॉन्च होंगे रॉकस्टार कंपनी की तरफ से। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। ओके, अब देखिए, जितने भी लोग GTA 4 और GTA 5 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इतना जो बेसब्री से इन दोनों गेम्स का इंतज़ार कर रहे हो तो आप लोग एक बात तो पक्का तरीके से समझ करके चलिए कि ये दोनों ही गेम्स आप लोग को एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के अंदर जो है वो जल्द से जल्द खेलने के लिए मिलेंगे। वो क्यों खेलने के लिए मिलेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आज अगर मैं फ़ोन्स की बात करूँ तो फ़ोन्स तो यहाँ पर कमाल के निकल के आते चले जा रहे हैं। यहाँ पर रैम जो है वो उसके अंदर इंक्रीज होता जा रहा है, 6 GB रैम के फ़ोन अवेलेबल, 8 GB रैम के फ़ोन अवेलेबल है। प्रोसेसर की बात करूँ तो प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पावरफुल धीरे धीरे जो है वो आते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ़ोन्स जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते चले जा रहे हैं। इसके ज़रिए से अब जो रॉकस्टार गेम्स कंपनी है वो ये देखेगी कि करोड़ों लोग जो है वो GTA 4 और GTA 5 का बेसब्री से एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए खेलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर ये गेम इन दोनों डिवाइसेस के अंदर ये लोग बनाते हैं तो इनको जो है रॉकस्टार गेम्स वालों को यहाँ पे कमाल का फ़ायदा होगा। और जिस कंपनी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वो कंपनी क्यों नहीं करेगी अपना फ़ायदा, वो अपना फ़ायदा क्यों नहीं सोचेगी। तो ज़रूर से रॉकस्टार गेम्स वाले जो है वो एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए GTA 4 और GTA 5 गेम ज़रूर से बनाएंगे। तो ये आप लोग जो है एक बात मेरी समझ लो, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये रॉकस्टार वाले गेम्स को कब बनाएंगे वो तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ओपिनियंस के ज़रिए से आप लोगों को इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये लोग गेम को क्यों नहीं बना रहे अभी एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए। देखिए यहाँ पे रॉकस्टार वाले शायद से कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अभी जो फ़ोन्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो GTA 4 और GTA 5 को हैंडल करने के अभी भी लायक में नहीं होंगे, अभी जो प्रोसेसर है जो रैम है वो इतना भी ज़्यादा पावरफुल और कंपेटिबल नहीं होगा इन दोनों गेम्स के लिए, करके ये लोग जो है वो गेम को नहीं बना रहे। तो एक्चुअली में होगा क्या कि ये जो है एक या दो साल वेट करेंगे, एक या दो साल के बाद तो आप लोग भी सोच सकते हो कि कितने अमेजिंग फ़ोन जो है मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग जो गेम है ये दोनों गेम को एक या दो साल के बाद में ज़रूर से बनाएंगे, ठीक है। तो लास्टली अगर मैं मेरे ओपिनियंस के बारे में आप लोगों से बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो GTA 4 के बारे में यही लगता है फ्रेंड्स कि ये एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस में 2020 के अंदर जो है वो फाइनली लॉन्च हो जाएगा रॉकस्टार गेम्स कंपनी की तरफ से। और जो है GTA 5 की अगर बात करूँ तो उसके लिए हमें 2025 तक तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यही लगता है कि 2025 में तो ये फाइनली जो है वो आ जाएगा।
तो इन दोनों साल का हमें वेट करना पड़ेगा। इसके पहले 2019 में तो कुछ भी नहीं होने वाला, 20 में भी मुझे नहीं लगता कुछ होगा, 21 और 22 में GTA 4 शायद लॉन्च हो सकता है, और GTA 5 तो आप लोग 2025 ही पकड़ के चलो। तो ये थे मेरे लास्ट ओपिनियंस। अब इसके बाद में जो है मैंने आप लोग को सब कुछ इन दोनों गेम्स के बारे में बता दिया। आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि अब आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा और मुझे जो है GTA 4 और GTA 5 के ऊपर वीडियोज़ बनाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल। बाय फ्रेंड्स।